गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक बंधुओं एवं शिक्षिका बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो हमने आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल एवं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, तीनों मॉड्यूलों पर आधारित प्रश्नों पर बनाया है और उनके उत्तर भी बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का निम्न मॉड्यूल अंग नहीं है। इसमें चार विकल्प दिए गए हैं कि कौन सा मॉड्यूल का अंग नहीं है, तो इसमें विकल्प दो सही है, निष्ठा। प्रश्न नंबर दो है, फाउंडेशन लर्निंग के लिए मॉड्यूल है आधारशिला, विकल्प नंबर एक सही है। अब है प्रश्न नंबर तीन, कम अधिगम संप्राप्ति वाले बच्चों के लिए मॉड्यूल है, इसमें विकल्प नंबर चार सही है, शिक्षण संग्रह। प्रश्न नंबर चार है, फाउंडेशन लर्निंग किन कक्षाओं के लिए है, तो इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, एक दो तीन चार, चार पाँच छः सात व आठ, तो इसमें विकल्प नंबर एक सही है, कक्षा एक व दो। अब नंबर आता है, ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि क्या होगी, एक माह, दो माह, छः माह, पचास दिन, तो इसमें विकल्प नंबर छः यानी विकल्प नंबर चार, पचास दिन सही है। अब प्रश्न है छः, ध्यानाकर्षण शिविर चलाने के लिए कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है, तो इसे तीन समूह में वर्गीकृत किया गया है, तो विकल्प नंबर एक सही है इसमें प्रश्न नंबर छः में। अब आता है प्रश्न नंबर सात, किस मॉड्यूल की मुख्य विषय वस्तु शिक्षण योजना निर्माण पर आधारित है, इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, अरमान और शिक्षण संग्रह, तो इसमें विकल्प नंबर चार सही है, शिक्षण संग्रह में। प्रश्न नंबर आठ है, आधारशिला मॉड्यूल के भाग पाँच का मुख्य अंश क्या है, आरंभिक भाषा विकास, आरंभिक गणितीय क्षमता विकास, आकलन, फाउंडेशन लर्निंग, तो इसमें विकल्प नंबर तीन सही है, आकलन। अब है प्रश्न नंबर नौ, अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप्स की चर्चा निम्न में से किस मॉड्यूल में है, निष्ठा, अरमान, ध्यानाकर्षण, आधारशिला, तो यह है ध्यानाकर्षण यानी विकल्प नंबर तीन सही है इसमें। अब नंबर आता है प्रश्न नंबर दस का, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में चर्चा है शिक्षण कहानियों की, शिक्षण तकनीकी की, शिक्षण योजनाओं की, शिक्षण बाधाओं की, तो इसमें विकल्प नंबर दो सही है, शिक्षण तकनीकी की। इस प्रकार 10 प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न इसमें बताए गए हैं इस प्रश्नोत्तरी में। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आप लोगों के लिए कितना उपयोगी हुआ वो भी बताइएगा, और अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो उसका भी सुझाव हमें दीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।